टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा में पानी की समस्या और सालों से बन रहे टीएमसी हॉस्पिटल के संबंध में आज ठाणे महानपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने मुंब्रा का दौरा किया। साथ में विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुंब्रा कौसा में पीने का पानी कई दिनों से गंदा आ रहा था, जिसके लिए विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने मनपा कमिश्नर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और अतिरिक्त आयुक्त ने मुंब्रा कौसा का दौरा किया। पानी की शिकायतों के साथ साथ एमएम वली पर बन रहे टीएमसी हॉस्पिटल का भी जायजा लिया और बताया कि एक महीने में हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और इसे लगभग शुरू भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी दौरा किया गया था और बताया गया था कि जुलाई में हॉस्पिटल का काम पूरा हो जाएगा, मगर हॉस्पिटल का काम जुलाई तक पूरा नहीं हुआ, अभी भी काम चालू है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एक महीने में हॉस्पिटल का काम पूरा हो पाएगा या नहीं। विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने इस दौरे के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। सानू भाई, विपक्ष नेता के तौर पर आप पिछले कई दिनों से मुंब्रा कौसा की समस्याओं को लेकर के प्रयासरत थे कि ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा जी का दौरा हो, लेकिन बाद में उसमें कुछ बदलाव आकर के हमारे अतिरिक्त आयुक्त, जिनका मुंब्रा कौसा से काफी पुराना नाता रहा है, संदीप मालवी जी उपायुक्त भी रहे, मुंब्रा कौसा उनके अंडर में भी रहा है, तो आज लंबे अरसे की आपकी एक मांग के बाद आज अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी जी आए। किन किन समस्याओं के लिए आपने उनको यहाँ पर दौरा करवाया? खास करके पानी की समस्या थी, अस्पताल के निर्माण का जो काम बड़ा प्रलंबित चल रहा है, तो आज इस दौरे की फलोत्पत्ति क्या मानी जाए, क्या मतलब इसका नतीजा निकला है? देखिए, ऐसा ना कि निर्णय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने विरोधी पक्ष नेता बनने की मुझे जिम्मेदारी, और मुंब्रा कौसा में जो हॉस्पिटल मित्तल रोड संपम का समस्या, मुख्य रास्ते के पेंडिंग काम जो धीमी रफ्तार में थे, उनको खास तौर से मुझे आदेश दिया था कि इसको तुरंत नगर सेवक के साथ मिलकर और अधिकारी के साथ साथगाठ करके तुरंत इसको फाइनल स्टेज में लाया जाए। कोविड के काम में काल में धीमी रफ्तार हुई थी, लेकिन लंबे स्तर से हम लोग, हमारे सभी नगर सेवक जी, साथ में कमिश्नर साहब को हम लोग ने, हमारे कई आंदोलन भी हुए, हाउस में हमने प्रश्न उपस्थित किया और आयुक्त साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई जिसमें संदीप मालवी जी भी थे, और विपिन शर्मा जी ने सर को मेरे सामने और कॉर्पोरेटर के सामने निर्णय आदेश दिया कि इन सभी जिम्मेदारी आपकी और आपको ये जो काम है मुंब्रा कौसा के, इनको पूरा देख के और फास्ट तरह से फाइनल करना है। लेकिन कई तरीके से सर के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण थोड़ा सा माता जी की तो फिर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा डिले हो गई, हमें भी समझ में आया, और काफ़ी हद तक कई जो काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और हमारे नीचे जो अधिकारी वो काम पूरा कर रहे थे, लेकिन अलमास का संपम्प, गाँव देवी, सुमनताई, ये संपम्प छोटे छोटे बनाने के लिए तैयार तो है लेकिन फाइनल स्टेज पे नहीं आ रहे। कई जगहों पे छोटा फंड के कारण रुका है, कई जगहों पे पाइपलाइन के कारण रुका है, कई जगहों पे पानी के गंदे पानी आ रहा है, कई जगहों पे रस्ते के काम अधूरे, हॉस्पिटल के काम फाइनल स्टेज पे होने के बावजूद पूरा नहीं किया जा रहा है। इन सबको मुझे यकीन था और हम सबको यकीन था कि हमारे अतिरिक्त आयुक्त जो आएंगे संदीप मालवी जी, तो उनके आने के बाद ऐसा कमिश्नर होगी एक तरीके से, जब कमिश्नर नहीं रहते कमिश्नर का चार्ज उनके पास ही रहते, तो वो एक तरीके के हमारे नहीं तो कमिश्नर ही, वो आएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों में लगाम लगती और उनको काम करने की तेज़ी आती। उनके आने से हमें अच्छा विश्वास है कि जितने भी काम है पेंडिंग वो बहुत जल्द पूरे होंगे। हॉस्पिटल कब शुरू होगा ये? अभी यही बताऊंगा, अब और चौपाटी भी मत ले जा, रेती मंदिर चौपाटी भी, पहले पानी का चौपाटी। ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी साहब, मुंब्रा कौसा में हम तमाम पत्रकारों की तरफ से आपका स्वागत है। पहली बार आप अतिरिक्त आयुक्त बनने का मुंब्रा आए, मालवी साहब आपने सबसे पहले पानी की समस्या देखी, घासवाला कंपाउंड, अलमास कॉलोनी, वहाँ पर सम पंप हाउस जो बना है, पानी की टंकी, काफ़ी लंबे अरसे से अलमास कॉलोनी का शामीन अपार्टमेंट, मोती बाग और बाईपास से सटा हुआ इलाका, चरनीपाड़ा से जुड़ा हुआ इलाका, यहाँ पर पानी की पूरी समस्या आज जस के तस बनी हुई कई सालों से। हमारी लोगों से बात होती है 20-25 साल से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। तो आज आपने दौरा किया सर, क्या समझ में आया आपको और किस तरीके से इस समस्या का निराकरण होने वाला है?
जो मुंब्रा की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विरोधी पक्ष नेता माननीय शानू पठान साहब अमिता साहब से भी मिले थे। तो उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें वो मीटिंग में मुझे बुलाया था कि आप जाके विजिट करो और जो भी समस्या है उनका हाल ये करो निकालो। तो इसी दे मैंने दो तीन बार हमने कोशिश की थी दौरा करने की, लेकिन कई वजह से कई कारणों से वो नहीं हुआ था। आज हम भाई देखा कई जगह मैंने विजिट किया विरोधी पक्ष नेता साहब के साथ, तो पहला दूषित पानी का समस्या था तो दो तीन दिन में मेरे ख्याल से वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब तक जो टैंकर का अरेंजमेंट है वो भी हम करवा देंगे। रास्ता का भी इशू हमने आते वक्त समय देखा, उसके बारे में कमिश्नर साहब से बात करके जो शहर विकास विभाग है और जो कंसर्न इंजीनियर है उनको बुला के उसमें क्या रास्ता है वो उसके बारे में भी सोचेंगे। कौसा हॉस्पिटल ने पहली बार कैंप बहुत ही अच्छा बनाया है, इसके बारे में कमिश्नर साहब और मेयर साहब से बात करके चालू भाई के साथ बात करके उसमें जल्द से जल्द कैसा हॉस्पिटल शुरू हो सकता है इसके बारे में हम सुनने लगे। फिर भी एक निश्चित क्या कालावधि सर? अभी जल्द अभी उनको एक महीना बोला है काम खत्म करने के लिए, करीबन एक महीना लगेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। एक महीना बोला मालवी साहब, एक अहम मुद्दा है मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति। कौसा का कादर पैलेस से लेकर और अलमास कॉलोनी से लेकर पूरा इलाका जो है वो दीवा प्रभाग समिति में आता है, लेकिन दीवा प्रभाग समिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माणों पर ध्यान देती है, नागरी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर दीवा प्रभाग समिति के न तो कोई अधिकारी नजर आते हैं, न कोई पानी विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं, न सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं। क्या दीवा प्रभाग समिति पे ठाणे मनपा प्रशासन, आप अतिरिक्त आयुक्त हैं, आयुक्त विपिन शर्मा जी, कुछ नकेल कसने का काम करेंगे या नहीं? शुरू के मुझे खुशी होगी कि बताने में कि दीवा में भी हम काम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे काम उधर शुरू हो रहे हैं। अभी रास्ता का रह गया, बाकी उधर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, वो काम उधर चल रहा है और जल्द से जल्द उधर की जो समस्या थी सर, अलमास में जो पानी की समस्या है ना, वो पूरा 80% एरिया जो है वो इलाका वो दीवा प्रभाग समिति में आता है। उसके बारे में दो तीन रोज हमारे सम्प और पंप का जो इशू है वो हम जल्द से जल्द सुलझा लेंगे और वो सम्प पंप शुरू होने वाला अगर शुरू हो जाएगा सम्प पंप खत्म हो जाएगा। मेरे पास अधिकारियों का भाई बोल हम वैसे अधिकारियों की कमी है सर मुमरा प्रभाग समिति में, पानी आपूर्ति विभाग में हमने देखा 5-5 जूनियर इंजीनियरों की ऑर्डर होती है लेकिन कोई आने यहाँ तैयार नहीं होता है। सर सर हमारी हमारी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्या जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर लिख ले चाचू बस सही बोल रहे जी, कि जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर लिखते हैं वो कहीं ना कहीं अपना रेफरेंस लगा के मुमरा में नहीं ज्वाइन करते हुए दूसरी जगह करते। आपसे ये विनती है या तो उनको ऑर्डर लिख लिया तो वो मुमरा में ज्वाइंट हो, नहीं तो महापालिका के कर्मचारी फिर उनको नहीं तो परमानेंट छुट्टी पर भेज दिया जाए। मुझे हम लोग को यकीन है आपने ये जो देखा प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल सर के नज़र में लाना जरूरी था, बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक प्रैक्टिकल दौरा जरूरी है, वस्तुस्थिति सामने आनी चाहिए। आज सर के पास जो दौरा होने के बाद मुझे यकीन है कि हम लोग हर 8 दिन में सर एक मीटिंग लेते, तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग इस जो समस्या है उसका हम समाधान पूरी तरीके से करके रहेंगे। सर एक महीने में अस्पताल अंशता क्यों ना हो शुरू होने की बात हो रही है, आपके साथ यहाँ शशि प्रभु एसोसिएट्स आर्किटेक्ट के सावंत साहब थे और शयना कॉर्पोरेशन जो ये अस्पताल बना रही है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, उनके अनिल धाबी है, इनसे क्या चर्चा हुई, इन्होंने काम के बारे में क्या जानकारी दी सर आपको? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करेंगे हम लोग, जितना पार्ट कम्प्लीट होगा। हाँ भैया पार्ट ले अगर शुरू होता है तो पार्ट ले हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर का ऐसा बोलना है कि अगर समझिए ऊपर का फेस कभी कम समझो काम चालू रहता है और नीचे का पूरा 100% कम्प्लीट है तो कलवा मुमरा कौसा दीवा के नहीं, ये हॉस्पिटल बनना अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड में हमको हॉस्पिटल की कमी महसूस हुई। तो ये सर निर्णय लेंगे और हम लोग भी इसका पाठ पूरा करेंगे और जितेंद्र मिनिस्टर साहब भी जितेंद्र रावत जी भी इसका पाठ पूरा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक महीने के अंदर पूरा नहीं तो एक पार्ट जो है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर वो शुरू हो जाना चाहिए। सर सर लास्ट एक सिर्फ हमारे सम्माननीय आयुक्त विपिन शर्मा जी, इनको तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से मैं आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हम तमाम शहरवासी, मैं पत्रकार भी हूं नागरिक भी हूं लेकिन आयुक्त साहब से हम नाराज़ हैं। प्राइम की दुर्घटना के अलावा आज तक शर्मा साहब ने जब से ठाणे मनपा का चार्ज संभाला है आज तक मुमरा कौसा कभी वो आई नहीं, क्या उन्हें मुमरा कौसा से कोई सौतेलापन है? ये मेरा उनसे सीधा सवाल है, आप जवाब मत दीजिएगा, उनसे उनसे कान पे डालिए उनके। मैं जवाब देना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है, सर सर की वजह से सर ने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ, वो भी खुद विजिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो विजिट नहीं करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।